सुबह की राम राम। इतनी खूबसूरत सुबह, इतने सारे सहयोगों को लेकर ये सुबह आई है। इस टाइम बज रहे हैं 4:51। आई होप सो आप सबकी पूजा हो गई होगी। मैं अब जा रही हूँ शनि मंदिर और मैंने अपनी सारी पूजा कर ली, मंदिर की पूजा, घर की पूजा और सामाजिक तौर पे लड्डू गोपाल की पूजा, क्योंकि आज उन्हें उनकी छठी है। छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और आज उन्हें पीली मिठाई, पीले फल का भोग लगाना है। होप सो आपने उन्हें सिंघाड़ों का भोग लगा लिया होगा। किसके घर सिंघाड़े आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसके सिवा भगवान के ऊपर आप ध्यान दें तो शायद आपके घर के बिगड़े काम बहुत जल्दी अच्छे से हो जाएंगे। बिगड़े हुए कामों को सुधारने के लिए सिर्फ भक्ति करें सुबह उठ के। मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि सुबह उठकर अपना कीमती समय सिर्फ भगवान के साथ लगाएं, तब तो भला हो सकता है। लेकिन अगर आप सुबह उठकर कौन कहाँ जा रहा है, किसके घर सिंघाड़े आए, किसके घर नहीं आए, कौन क्या कर रहा है, इन चीज़ों में दिमाग लगाएंगे और जासूसियाँ करते रहेंगे तो हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू। आज आप पुष्य नक्षत्र में सारे अच्छे काम करें, मैनिफेस्ट करें, चीज़ों को लिखें, लिख नहीं सकते तो बोलें आकाश की तरफ देखकर, अपने ईष्ट को याद कर, जिसे भी आपका मन रमा हुआ है। आज पुष्य नक्षत्र है, आज प्रदोष है, शनि प्रदोष है, शनिवार है और आज सबसे बड़ी बात छठी है कृष्ण जी की। इतने सारे सहयोग हमें मिल रहे हैं, अगर हम इन सब उपायों को करते हैं तो लाइफ में सक्सेस रहेंगे। कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, इसमें दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, सिर्फ अपने काम और प्रभु में रमिए। आप उठे किसके लिए हैं सुबह, जल्दी भगवान के लिए। कमेंट्स में राधे राधे, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपकी लाइफ में सब खुशियाँ आए। माता रानी आपको दीन दुगनी, रात चौगनी तरक्की दे और आज आप पुष्य नक्षत्र में जो सोचे यूँ चुटकी बजाकर आपको मिल जाए। ओए होए। कमेंट्स में राधे राधे, जय माता दी।